लेकिन असर तब होगा जब उन्हें एक ढंग में गाया जाता है। उनका गाने का एक सलीका, एक तरीका होता है, एक ढंग है कि उस तरह से गाओगे तो उनका असर होगा। अब अलंकार गायकी जब की जाती है तो वो अलंकृत नहीं होती है, यानी उसमें कोई भी ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, है ना, यानी सीधे सीधे सपाट सुर। जो अलंकृत गायकी होती है वो राग की होती है। जब राग गाई जाती है तब ऋषभ लगेगा तो गंधार की मीट से लगाया कि सा रे गा, है ना, रे लगाया मैंने गंधार की मीट से, तो ये तब होता है जब राग में है। क्योंकि मैंने कल ही हम बात कर रहे थे कि एक सुर को लगाने के अलग अलग अंग होते हैं, कि ये ऋषभ लगाए तो ये बिलावल अंग से ऋषभ लगाए, कि भैरवी अंग से ऋषभ लगाए, कि कल्याण अंग से ऋषभ लगाए। अगर आप सीखना चाहते हैं विधिवत ढंग से संगीत, वो भी पूरे सिलेबस के साथ, पूरे रियाज के साथ, मॉर्निंग रियाज के साथ, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सीखिए पंडित अवध किशोर पांडे जी से पूरा घर बैठे संगीत। लाइव अलंकार प्रैक्टिस आज SPW के ही स्टूडेंट्स के साथ हम कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइव प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि कुछ हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल कम हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, मतलब उसमें मैं बता रहा हूँ लेकिन कुछ करके नहीं हो रहा है कि सामने प्रेजेंट हो कि भाई अगर मैंने कोई अलंकार बताया तो वो अलंकार प्रैक्टिकल हो जाए। वैसे तो मैं अपने वीडियोज़ में प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि अलंकार अगर गाना है तो इस तरह से गाना होगा, पर आज हम स्टूडेंट्स के साथ में देखेंगे कि कैसे उन चीज़ों का रियाज किया जा सकता है। वही बेसिक प्रारंभिक चीज़ें हैं जो मैं अब तक अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, वही अलंकार हैं, वही लय, लयकारी, थाट, पिचेस जितने हैं वो सारी वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पर आज हम उन्हें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आप भी अपना साज उठाइए, अपना हारमोनियम लीजिए और साथ में बजा सकते हैं, गा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा पिच लें जो सब लोग जिससे गा सकें। तो यहाँ मेल फीमेल सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैंने पाँचवीं काली यानी कि ए शार्प पिच डिसाइड किया है कि उससे हम लोग करेंगे। फिर अगर रहता है तो हम बदलाव भी कर सकते हैं बीच में और चीज़ें एक एक करके बदल के देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। चीज़ें मैं अलग कुछ नहीं बताऊंगा, हमारी स्वरांगिनी जो किताब है म्यूज़िक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड, उसी की चीज़ें होंगी सारी, वही सारी तालें हैं, वही सारे अलंकार हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो SPW का सिलेबस आप सभी को मालूम है कि अलंकार, फिर थाट और स्केल्स, स्केल्स कहें या उन्हें कहें पिच एग्जैक्ट अगर उन्हें हम नाम देंगे तो 12 अलग अलग पिच होते हैं। वहाँ से आप अलग अलग अलंकारों को, भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार, है ना, आपने इतने सारे 10 पेज जैसा कि स्वरांगिनी में है अलंकारों के लिए, तो इतने प्रकार के अलंकार आप सभी ने कर लिए हैं। उसमें कई सारे हैं, जैसे फर्स्ट पेज आप करते हो तो सीधे सीधे अलंकार हैं, जैसे कि अभी मैं पहली काली से गा के बता रहा हूँ, सारे गमा पधनी सासाने दापा मगरे सा। आपने देखा हर सुर कॉन्टिन्यूस में एक के बाद एक लग रहा था, तो लड़ में हमारे सारे अलंकार जा रहे हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा, ये भी कॉन्टिन्यूस जा रहा है, सारे गे गा मा पा मा पा धा, ये भी लगातार कॉन्टिन्यूस जा रहा है, सारे गमा रे गा मा पा धा, ये भी लगातार चार चार की जोड़ी, फिर पांच की, फिर छह की, सात की, ऐसे करके आपने देखा एक एक पूरा एक फर्स्ट पेज बनता है। इस फर्स्ट पेज में और क्या खास बात है कि हमारी जो प्रारंभिक छह ताले हैं, या यूं कहें कि जो हमारी पांच जातियां होती हैं जिसमें से चार जो प्रचलित जातियां हैं तालों की, तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड और मिश्र, यानी तीन तीन का छंद, चार चार का, पांच पांच का और सात सात का, वो सारे के सारे इस पेज में आ जाते हैं। तो आपके सारे जितने प्रमुख जो छंद हैं, है ना, तीन चार पांच और सात, क्योंकि बाकी जो दो है दो चार से ही रिलेटेड है, चार आठ से रिलेटेड है, तो वो तो उसी में आ गया। तो ये जो चारों जातियाँ हैं ये इस पेज में कवर हो जाती हैं, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज माना जाता है, है ना, इसीलिए इसी का रियाज हमको ज़्यादा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अलग अलग लयकारियों में, अलग अलग खंडों में, तो आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाती है। इसके बाद आती हैं एक एक करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए अलंकार, जैसे आप दूसरा पेज देखते हैं जिसमें एक एक सुर छोड़ के लीपिंग नोट्स लगाए गए हैं, सा ग रे मा ग प म ध प नी, सुर छोड़े गए हैं, सा मा रे प ग ध म नी, सा प रे ध ग नी, सा ध रे नी, कूद कूद के लगाना। तो सबसे पहला पेज क्या कहता है? लड़, एक के बाद एक सुर लगाना। दूसरा कहता है छूट छूट के जो सुर लगेंगे। फिर तीसरे पेज पे आते हैं तो थोड़े बल वाले अलंकार आते हैं, सा रे सा ग रे ग रे मा ग मा ग प मा प मा धा, अलग अलग कॉम्बिनेशन का ये पैटर्न बना। फिर आगे और बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा लय का खेल है, सा रे सा ग ग रे ग रे मा मा, ऐसे ऐसे अलंकार हैं। फिर आप आगे और बढ़ते हैं तो उसमें भी वजन, सा ग रे सा रे मा ग रे ग प मा ग मा ध प मा, एक सुर लगा के दूसरे सुर पे कूद के रिटर्न आना, सा ग रे सा रे मा ग रे ग
पा मागा, है ना, कूद के दोबारा आना, ये वो, ये उसका पैटर्न है। ऐसे ही करके हमारे सारे अलंकार हैं उसमें। तो ये डिफिकल्ट अलंकार आपको दिए गए ताकि हर अलंकार से उसकी तासीर अलग है, उसका असर अलग है। उसका अभ्यास करने से आपके गले में, आपके दिमाग में एक नई बात पैदा होगी, है ना। तो इसीलिए ये सारे अलंकार हैं। आप कोई सवाल आता ना, इतने सारे अलंकार क्यों करने हैं भाई, आप 4-7 अलंकार हैं उन्हीं को भी तो कर सकते हो, पर हर अलंकार की तासीर अलग है। जिस प्रकार से मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जिम में जाते हो, अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, लेग डे अलग होता है, कार्डियो अलग से एक्सरसाइज अलग है, ट्राइसेप्स की बाइसेप्स की अलग एक्सरसाइज होती है, शोल्डर की अलग एक्सरसाइज होती है, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके एक एक्सरसाइज करोगे जिससे पूरी बॉडी बनती है, ऐसा नहीं होता है। हर अलग अलग एक्सरसाइज का असर अलग होता है, इसीलिए इतने सारे अलंकार हैं, वही सारे हम आज गाएंगे। अब क्या होता है लोगों के लिए कि भाई ईयर ट्रेनिंग कैसे करें, है ना, कि कान कैसे तैयार हों, सुर की समझ कैसे होगी, लय की समझ कैसे होगी, तो उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेज हम करते हैं। उन्हीं सारे अलंकारों को अलग अलग थाटों में देखते हैं, यानी उनके स्वरों के अलग अलग प्रकार, पहले शुद्ध, कोमल, तीव्र, है ना, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो आज वो हम देखेंगे कि 10 थाट कैसे होते हैं और ये 7 अलंकारों को 10 थाटों में कैसे गाया जाता है। फिर हम सारी तालें देखते हैं, तो एक एक करके हम तालों की लयकारियाँ भी अभी देखेंगे कि दादरा है तो दादरा की कैसे एक एक करके अलग अलग लय जाएगी, और दादरा पढ़नी है तो छंद में कैसे पढ़नी है, ऐसे नहीं कि सपाट धा दिन ना धा दिन ऐसे पढ़ती है, नहीं, उसका छंद क्या जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। और फिर इन अलंकारों को वजन से कैसे गाया जाता है, जैसा मैंने वजन समझाया ना कि भाई छंद है अगर 3-3 का, तो अगर इसको गाना है सारे गरे गमा गमा पा, तो ये तो सपाट है, ऐसे नहीं गाना सारे गरे गमा गमा पा मा पा धा, ऐसे गाना है। चौथा है तो सारे गामा रे गामा पा, तब जाके वो बल आता है, फोर्स आता है। फिर कुछ मैंने इन्हीं 7 के उल्टे, इनको पलट के जो 7 अलंकार बनाए हैं, जैसे सारे ग रे गामा गामा पा, इसकी जगह इनका उल्टा कर दिया ग रे सा मा ग रे पा मा ग, है ना, सारे ग का उल्टा ग रे सा, रे गामा का मा ग रे, तो ऐसे करके जो 7 अलंकार बनते हैं ग रे सा मा ग रे पा मा ग। फिर चौथे का उल्टा मा ग रे सा पा मा ग रे धा पा मा ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स बिठाए हैं जिनको मालूम है ये सारी चीज़ें, कोई कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो एक एक करके मैं आपको बोलूँगा, आप लोग सबको ऑडियंस को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ हम लय लगा रहे हैं, हर चीज़ को लय में करना ज़रूरी है, जब तक लय में नहीं करोगे वो सारी निरर्थक हैं, है ना, उनमें एक लीनियर होनी चाहिए, एक जैसी चलनी चाहिए, है ना। अगर आप 5 लोग बैठे हो तो 5ों की ऐसी आवाज़ आए जैसे कि एक आवाज़ आ रही हो, ऐसे 5ों अलग अलग आवाज़ें नहीं सुनाई देगी। तो वो कब नहीं सुनाई देगी, जब एक ही लय में, एक ही सुर में गाओगे, है ना, एक ही दम से गाओगे, तब जाके वो 5ों आवाज़ एक आवाज़ बनेगी। वो एकता चाहिए, वो एकाग्रता चाहिए हमें, ठीक है। तो 5वीं गाली ए शार्प आप लोगों का पिच है, यहाँ से आप लोग गाने जा रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अलंकार गाएंगे थाट बिलावल में, 5वीं गाली से, तानपुरा और लय मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। ये आपका 5वां काला है, ठीक है, ये बिलावल है, लय मैंने यहां अभी फिलहाल जो है 60 लगा देता हूं, 60 लगा देता हूं, 60 बीपीएम। अब आप सभी जानते हैं ये ताल 3 ताल चल रही है, ताल 3 ताल आप सभी को आती है, है ना। एक बार इसका ठेका सुन लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जो ताल 3 ताल के बोल हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये 3 ताल के बोल हैं। खंड इसका 4-4 का है, हाथ पर ताली खाली आप देख लीजिए मेरे साथ कर लीजिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन, बोलिए साथ में, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ठीक है, 16 मात्रा का छंद है। अब इसकी चाल को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हर खंड की पहली मात्रा पे वजन आना चाहिए और आखिरी मात्रा जो हर खंड की है वो नीचे जानी चाहिए। फिर से देखिएगा मेरी टोन को, गौर कीजिएगा, ये चीज हर ताल में अप्लाई करनी है, धा धिन धिन धा, चारों इंडिविजुअल अलग अलग नहीं बोले, साथ में बोले, जब बजता है तब भी ऐसा ही बजता है, ऐसा नहीं कि धा धिन धिन धा, ऐसा नहीं होता है,
तबला है, तबला चमड़े से बना है, चमड़े पे आघात करते हो रेजोनेंस होता है, यानी आस निकलती है। तो एक सुर की आस जैसे दूसरे सुर में मिलती है, उसी तरह से एक बोल की आस भी दूसरे बोल में मिलती है। तो पढ़न तो वैसी ही होनी चाहिए जैसा वो बजता है उधर, है ना, तभी तो समझोगे। उसको रोबोटिक अगर बोलोगे तो वैसा तो बज ही नहीं रहा है, तो समझ कैसे आएगा। तो वैसा ही बोलो जैसा बज रहा है, अपने आप वो जो चाल है वो कवर हो जाएगी। कैसे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। चारों अलग अलग दिखाई दिए, आंख बंद करके भी सुनो तो भी तीन ताल मालूम चलेगी, ठीक है, करके देखो। 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा, है ना। हमेशा सम पे उसको खत्म किया जाता है। ये आपकी ताल हो गई। पहला अलंकार आपका है सारेगामा पधनी सा सानी धपम अगरेसा। सात सुर ऊपर चढ़ रहे हैं आरोह, सात सुर नीचे उतर रहे हैं अवरोह, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 16। तो ये ताल कौन सी है, तीन ताल। इसमें भी 16 मात्राएं हैं, 8 जा रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें फिट बैठेगी। अब इसको कैसे गाएंगे एक बार मैं गा के बता देता हूँ, फिर उसको आप रिपीट करेंगे। ठीक है, ये ठेका है, अब इसमें गाएंगे। सारे गमा पदानी सा सानी दा पा मगरे सा। बस जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, चीजों की तासीर होती है, यानी जो चीज आप गा रहे हो उनका असर होगा, लेकिन असर तब होगा जब उन्हें एक ढंग में गाया जाता है। उनका गाने का एक सलीका, एक तरीका होता है, एक ढंग है कि उस तरह से गाओगे तो उनका असर होगा। अब अलंकार गायकी जब की जाती है तो वो अलंकृत नहीं होती है, यानी उसमें कोई भी ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, है ना, यानी सीधे सीधे सपाट सुर। जो अलंकृत गायकी होती है वो राग की होती है। जब राग गाई जाती है तब ऋषभ लगेगा, तो गंधार की मीट से लगाया कि सारे गा, है ना, रे लगाया मैंने गंधार की मीट से। तो ये तब होता है जब राग में है, क्योंकि मैंने कल ही हम बात कर रहे थे कि एक सुर को लगाने के अलग अलग अंग होते हैं, कि ये ऋषभ लगाए तो ये बिलावल अंग से ऋषभ लगाए, कि भैरवी अंग से ऋषभ लगाए, कि कल्याण अंग से ऋषभ लगाए। इसीलिए वो अंग यानी वो अलंकृत, वहाँ पे एक ऑर्नामेंट लगता है, मीट लगेगी, गमक लगेगी, मुर्की लगेगी, जो भी लगेगी, है ना, वो अति कोमल लगेगा सुर या थोड़ा कम लगेगा, है ना। तो इसीलिए जब अलंकार थाटों में गाने हैं, सवेरे भी रियाज करना है, सटीक और सपाट होना चाहिए, है ना, सीधा सीधा आपका सुर लगना चाहिए। अभी भी अलंकार गाएंगे तो ऐसे ही कैसे जाएगा, मैं एक बार गा के बताऊं आपको। तो सारे गमा पधा नी सा सानी धा पा मगरे सा। और कैसा नहीं गाना है, सारे गमा पदानी सा सानी दा मगरे सा। पिछले सुर से अगले सुर की आस जुड़ रही है, नहीं होना चाहिए। ये गायकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करते नहीं है, इसे कब करते हैं वो मालूम होना चाहिए, है ना। और ये चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अभी क्या होएगा, आप ये सारे अलंकार लगाते हो, अलंकार मतलब ये सारे गमा पद नहीं सानी, अलंकार यानी वो आभूषण, यानी वो ऑर्नामेंट्स, म्यूजिकल ऑर्नामेंट, मीण गमक, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जब लगाते हो तो ये कंट्रोल में नहीं है, ये लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगना नहीं चाहिए, हमारी मर्जी है, हम हमारे काबू में है ना, इनकी लगाम हमारे हाथ में, कि यहाँ मीण लगानी तो नहीं। सारे ग प, ये प सीधा, सारे ग प, तो ये प मीण के साथ, सारे ग प, ये पर दूसरी मीड के साथ, तो ये कंट्रोल में है। तो ये कब आता है, जब एक बार सपाट, पहले भी बता चुका हूं, सादगी होगी तो उसमें कुछ आभूषण लगेगा तो खूबसूरती आ सकती है, है ना, वरना ऑटोमेटिक आप की भी तय ही है कि वो तो ऑलरेडी मेकअप कर रखा है, तो वो हर चीज के साथ जाएगा थोड़ी। अगर गले में आभूषण बैठ गए, आपने बोला कि मेरी तो यही गमक आती है, ये गमक आती ही है मेरे गले में, तो लाइट कैसे गाओगे। वर्सिटैलिटी के लिए, यानी हर प्रकार की गायकी के लिए गले को मोल्ड कैसे किया जाए,
वरना तो टैग पड़ जाएगा कि भजन सिंगर हो, गजल सिंगर हो, क्लासिकल गाते हो या फिल्मी गाते हो, टैग पड़ जाएगा, टप्पा लग जाएगा, वो नहीं लगना चाहिए। वर्सेटैलिटी होगी तो काम मिलेगा, वरना काम नहीं मिलेगा। किशोर कुमार साहब को देखो, आप हर प्रकार के गाने गाए हुए उन्होंने, रवि साहब ने हर प्रकार के गाने गाए हुए, लता जी ने हर प्रकार के गाने गाए हुए। ऐसा नहीं कि वो हो गया ये तो रोमांटिक ही गाते हैं भी, या ये फिल्मी ही गाते हैं। क्लासिकल भी गाया, लाइट भी गाया, मस्ती मौज वाला भी गाया है ना। कैसे? गला प्लेन है, क्योंकि जब चाहो दिमाग और गले का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हर सुर सपाट लगाने की कोशिश करेंगे हम, एक बार फिर सुनेंगे, एक बार मैं ताल के साथ गाऊंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। सम खाली का ख्याल रखेंगे, ताल चल रही है, ताल ध्यान से सुने, ताल करी हुई है, सम से उठाना है। धिन कृदिन दिन दा ते दा दागे तिन तिन ता सारे गामा पदानी सानी दा पा मगरे सा सपाट सारे गामा पदानी सानी दा पा मगरे सा। अब और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये जितनी बातें बता रहा हूँ इन्हें नोट करना है, कहाँ? यहाँ, क्योंकि नोटपैड नहीं है अभी आपके पास, तो ये दिमाग में नोट करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे तो गायकी सुधरेगी। बारीकियाँ इन्हें कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आना इज़ अ गुड थिंग। आपको बहुत सारी रागें आती है, बहुत सारे अलंकार आते हैं, थाट सब कर चुके हो आप लोग, इट्स गुड। बहुत सारी तालें आती है, इट्स गुड, पर उनकी बारीकियाँ सुधारने की ज़रूरत है। अपने आप गायकी आपकी सुधर जाएगी, है ना। जो आपके जैसे आपके गले में सुर अच्छे हैं तो वो सुधर जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें आप जानते होगे तो। कि सुर को लगाना किस तरह से और दिमाग से, लगाम से, ऐसा नहीं कि वो लग रहे हैं अपने आप नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब क्या है, हम सारे गमा पधनी सा गाते हैं, सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले उसे सपाट करो, जितने भी अलंकार आप गलती से लग रहे हैं उन्हें हटा दो, सपाट कर दो, उसके बाद उसमें दम लाओ। थोड़ा सा फोर्स चाहिए, लाउडनेस चाहिए, और ऊपर वाला सुर जो है, ऊपर वाला सा जो होता है उसमें थोड़ा पंच ज़्यादा चाहिए होता है बनिस्बत नीचे, उसमें सांस भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए हमेशा बॉडी का जो पॉस्चर है वो स्ट्रेट होता है, और जेस्चर्स उनका काम आता है कि कैसे बैठे हो। पॉस्चर और जेस्चर, इन दोनों पर ये अंग भाव हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अंग भाव अगर आपके सुधरे हुए हैं तो गायकी अच्छी होती है। ऐसे क्राउच करके ऐसे बैठ के गाओगे दम नहीं आएगा, है ना। इसलिए फुल ऐसा बैक स्ट्रेट, और ऐसा इतना भी बैक स्ट्रेट नहीं कि बॉडी अनकम्फर्टेबल हो जाए। बॉडी कम्फर्टेबल रहेगी, गायकी अच्छी होगी, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, कपड़े पहन रखे हैं ज़्यादा, तो भी नहीं गायकी हो पाती, और ज़्यादा ठंड लगेगी तो भी नहीं हो पाएगा, टाइट पहन रखा है तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो बॉडी कंफर्टेबल तो गायकी ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल होगी आपकी, ठीक है। अब ऊपर वाला सा लगाते समय आपकी क्या दिक्कत आ रही है कि सारे गामा पदानी सा इस तरह से लग रहा है, ऐसे धक्के से लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी सुर पर धक्का नहीं लगाना है, वो सटीक सीधा, जिसे कहते हैं बुलजाए, डार्ट होता है ना गोल गोल, उसमें तीर मारते हैं आर्चरी वाले, तो वो एकदम सेंटर में जब लगता है तो उसे कहते हैं बुल्स आए, जिसे कहते हैं बुल्स आए। तो यानी वो सटीक लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाके, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। सुर लगाने की तीन स्टेजेस होती हैं, मैंने पहले भी बताई है। एक जब वो सुर लगता है, एक जब वो टिकता है, और लास्ट जब वो छूटता है। तो सटीक लगे, टिके, और उसकी जो टेल है वो छूटना है, वो तीनों हो जाए। तो ये ट ट ट, ये तीन ट याद रख लेना कि सटीक लगना चाहिए, टिकना चाहिए, और उसकी जो टेल है यानी जो पूंछ है वो सीधी उसी सुर पे छूटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पा पा, ऐसा नहीं लगाया पा पा, कितनी बार भी लगाओ वो इधर ही लगेगा, वैसा ही लगेगा, वो वैसा का वैसा लगे हर बार, वो लगा मानी चाहिए। फिर टिकना पा, ये क्या हुआ, कंपन है, अनावश्यक कंपन है ना, जरूरत नहीं थी इस कंपन की, सीधा आना चाहिए पा सपाट, और पा, ये क्या किया मैंने, टेल उसकी, दोनों चीजें तो ठीक थी, लगा भी ठीक, टिका भी ठीक, लेकिन पा नीचे छूट गया, या पा ये ऊपर चला गया, है ना। तो ये तीन जो स्टेजेस हैं इनका ख्याल रखो। यही लय के साथ भी आती हैं। लय, पहले तो लय पकड़ना सही, यानी वो लगना, फिर उसमें टिके रहना बराबर, है ना, और उसे खत्म भी करना तो भी उसी लय में करना, तो ये रहना चाहिए समान, और ये सब लगाम में, ठीक है। तो ये चीज करेंगे, पदानी सा, प
पदानी सा सा, ये नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल इस चीज का ख्याल रखना है आपको। पदानी सा सा नी दा प, जब दोबारा अवरोह भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सा नी दा प। और ये सारी बातें बता रहा हूँ गायकी के लिए, ऐसा नहीं कि अलंकारों में आती है सारी, है ये सब में आएगा। जब गाना वाना भी गाओगे ना, कोई गाना गजल कुछ भी गाते हो, तब भी ये सारी चीज़ें कि वो लगाए तो भी सटीक स्ट्रेट ऊपर और सटीक वहीं से नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपन एक एक करके ऑर्नामेंट लगाएंगे, लगा के देखेंगे कि अब मीण का प्रयोग करते हैं इसी अलंकार में करेंगे, अब खटके का प्रयोग इसी अलंकार में करेंगे, है ना। धीरे धीरे एक एक ऑर्नामेंट को बराबर जांचेंगे और अपने गले में लाएंगे, ठीक है। चलो फिर से इस अलंकार को गाएंगे, ताल चलेगी। ध्यान सारा इधर होगा तो एक बार में लय पकड़ोगे, लटकते लटकते नहीं पकड़ना, तीन स्टेजेस बताई, पकड़ना है सटीक पकड़ना है। सा रे ग म गाओ, पदानी सा सा नी ध प म ग। अब एक एक इंडिविजुअल सिर्फ आप गाओ, बाकी नहीं। फिर आप गाइएगा मनीषा। मनीष श्रवण भाई दम से गाओ, थोड़ा पंच आना चाहिए गायकी में। लय कसी रहनी चाहिए, हाँ लय ढीली नहीं। हाँ मोहित, ठीक है बस। अब क्या होता है, वॉइस कल्चर कह लो इसे, या सुर लगाने का ढंग कह लो, या मुंह कैसे खोलते हैं उसे कह लो, सबसे पहले तो मुंह बड़ा खोलना चाहिए, तभी दम निकलेगा। भाई ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का मुंह जितना खोलोगे उतना बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, जितना कम खोलोगे उतना कम प्रोजेक्ट करेगा, है ना, सीधी बात है। अब ये इसमें चार लाइटें लगी हुई है, तो इसका मुंह इतना बड़ा है तभी तो इसका ये प्रोजेक्शन है सारी तरफ आ रहा है। अब भले इसमें यही चार लाइटें होती, इसका मैं मुंह छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, एक ही तरफ देगा ये, एक ही डायरेक्शन में लाइट देगा, है ना। ये लाइट लगी है, इसके आसपास आप लगा दो गाय के जैसे लगाते हैं ना मुंह पे, तो क्या होगा, वो फिक्स एक जगह चली जाएगी, जैसे जैसे खोलोगे उतना उतना वाइड हो जाएगा। तो यही हमारे मुंह का काम है, अंदर से बाहर आ रहा है, इसी से आ रहा है, तो इसे प्रॉपर खोलो। उसके बाद वही तीनों स्टेजेस, वही जो सुर लगाने की थी, लगना टिकना और छोड़ना, यही इसमें भी है। मुंह खोला है वो वैसा रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, सा रे ग म प ध नी सा, ये हो रहा है, देख रहे हैं आप कैसा कैसा साउंड कैसा आएगा, ये सुनने में कैसा लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। और छूटे तो उसी में उतना ही सब, सा रे ग म, कितनी भी देर लगाओ, और म बंद भी करोगे तो म म म मौम नहीं लगना चाहिए, लास्ट में हलंत नहीं लगता है किसी भी सुर में, है ना। हर सुर अपनी ही आस में अपनी ही मात्रा में छूटता है, मात्रा यानी उसकी जो उसका जो स्वर है, कि आ की मात्रा है कि ई की मात्रा है। सा सा सा, सटीक लगा सटीक छूटा, इसमें ऑर्नामेंट हम बाद में लगा सकते हैं, सा ऐसे भी सा लगता है, लेकिन वो तब लगेगा ना जब एक बार सपाट तो आएगा, सपाट आया ही नहीं, आप पहले उसके पीछे चले गए। जब तक सपाट सटीक सुर नहीं लगेंगे, उसमें ऑर्नामेंट लगाओगे वो सुर में नहीं लगेगा, है ना भाई। सब लोग कहते हैं ये तो कि आभूषण अच्छे लगते हैं लेकिन लिमिट में, तौल दोगे अपने आप को सोने से बपीलहरी बन जाओगे तो फिर अच्छे थोड़ी लगता है वो, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे सारे गमा पदनी सा, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना, सजग रहना, सजग तरीके से सुर लगना चाहिए, यानी प्रेजेंस इधर,
है ना, तब गायकी अच्छी होती है। सजग रह के लोगों को लगता है कि ये गाने वाला तो बड़े आसान से गा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो सजग रहता है आदमी, उसको मालूम है मैं सुर लगा रहा हूँ तो किस तरह से लगा रहा हूँ, कौन सा सुर कब लगाया है। ऐसे ही नहीं हो गया अंध में लठनी मार दिया, ऐसा नहीं। हर चीज़ सजगता से आपको ध्यान रखनी है, सुर लगाया कैसे है, मुँह खोला कैसे है, मैं बैठा कैसे हूँ। इसे कॉन्शियस होना नहीं कहते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं ना तू तो बड़ा कॉन्शियस हो रहा है हर चीज़ का, ऐसे ऐसे ख्याल रख रहा है। नहीं, इसे सजग रहना कहते हैं। कॉन्शियस होना तब कहेंगे जब आप वो चीज़ आप में अड़चन ला रही है ना। जैसे आप लोग एक बार अभी कॉन्शियस थे कि अरे अब वीडियो बन रहा है क्लास, तो माइक वाइक ले दिया, अब मैं कैसे गाऊँ। इसे कॉन्शियस होना कहते हैं कि उस वजह से आपका काम खराब हो, है ना। सजग रहना कि सुर इस तरह से लगाना, ये सारी चीज़ें ख्याल रखनी। आदमी सोचे यार साला गाना तो इतना फैमिलियर काम होता है, इतना मजे का काम है, उसमें इतना दिमाग लगाना पड़े फिर क्या। पर दिमाग लगाना पड़ता है, सजगता से ही काम करना पड़ता है। अगर लगाम अपने हाथ में चाहिए तो, काबू चाहिए तो सजग रहना पड़ता है, वरना हो रहा है तो हो रहा है, वैसे हो रहा है ना। जब उठ रहे हो तब उठ रहे हो, जब जा रहे हैं तब खा रहे हैं, जब पी रहे हैं, जब घूम रहे हैं, हो रहा है अपने हिसाब से। पर लाइफ कंट्रोल में कहाँ है वो, आपके ज़िंदगी आपके कंट्रोल में थोड़ी है, गुजर रही है वो तो, काट रहे हैं, काटी नहीं है, है ना। कि कट गई, अपने आप नहीं कटी, हमने गुजारी है, हमको मालूम है कहाँ कैसे क्या करना है, कब क्या किया हमारे हाथ में था। कुछ कुछ चीज़ें होती है अपने हाथ में, कुछ कुछ नहीं होती, तो जो जो है उनको रखो कंट्रोल में कि सुर कैसे, अब कब लगेगा कब नहीं लगेगा, सुर आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है ना। कि कभी बेसुरे हो जाओगे आपके हाथ में नहीं, पर जितना आपके हाथ में आप कंट्रोल करके रखो, है ना। तो इसके लिए सजग रहो और इस सारी चीज़ों को ख्याल रखो। फिर से यही अलंकार गाएंगे, इसी अलंकार में एक एक चीज़ सुधार रहा हूँ, ये चीज़ें दोबारा नहीं सुधारूंगा, यानी दूसरे अलंकार में नहीं सुधारूंगा। अगर कोई दूसरा अलंकार अभी गवाया है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रीसेट डिफॉल्ट अप्लाई कर देना उस पर, है ना, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। चलो 16 मात्रा चल रही है, सुनो इसे। और लय कसी हुई, आपकी लय ढीली हो रही थी, लय कसी चाहिए, है ना। हाँ, साथ में गाएंगे, चलिए शुरू। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा, फिर से सारे गा मा पा धा नी सा, कसे हुआ चलो लय में। ठीक है, अब यही काम दूसरे थाट में करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई इसमें, अब इसमें और भी परिवर्तन कर लेते हैं। चलो पहले फिर थाट बदलेंगे एक एक करके। इसमें हम अब लय बदलेंगे, पहले सिंगल में किया, अब दोगुन में करेंगे इसी चीज़ को। तो दोगुन क्या होता है भाई, सम से ही दोगुना होना चाहिए, है ना। पहले सिंगल फिर दोगुना, सम से ही करेंगे तो दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो आठ में आ जाएगा वो, है ना। 16 की दोगुन करोगे आठ में खत्म, फिर आठ बच जाएगी, फिर उसमें क्या करोगे, इसीलिए दोबारा गाओगे उसी अलंकार को या उसी चीज को। ठीक है, जैसे ही हो गया फिर वापस सिंगल में आना। ये लय का जंप ये भी जरूरी है, ये सुर के लिए भी और लय के लिए दोनों के लिए जरूरी है ये जंप। तो शिफ्ट किया वापस आए, ठीक है। तो ये करके देखेंगे एक बार मैं करके दिखा देता हूं, फिर आप लोग कीजिएगा। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा, सिंगल चल रही है, पा धा नी सा, सम से दोगुन करेंगे, दोगुन एक और बार लय में, सिंगल में आ जाओ। हाँ बस बंद करो, ठीक है ठीक है। देखा अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहली मिस्टेक, जैसे ही मैंने बोला दोगुन करो
किसी एक जने ने दूसरा अलंकार गाना शुरू कर दिया, सा सा रे रे करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत माइनर मिस्टेक है, ये सब लोग करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा मिस्टेक करोगे तो भाई लोगों को भी मालूम चलेगा, अच्छा ये मिस्टेक भी होती है, तो आप मिस्टेक करोगे तो ही तो मैं करेक्ट करूँगा, है ना, वरना मेरे को कितनी मिस्टेक्स याद रहेंगी कि ये भी होती है। पर मुझे मालूम है कुछ कुछ जो मिस्टेक्स हैं जो करते ही हैं बच्चे, दोगुन बोलोगे तो दूसरा अलंकार गाना शुरू कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अलंकार भी गाएंगे तो उसको सिंगल में गाओ, है ना, लेकिन अभी हम पहले अलंकार की दोगुन कर रहे हैं तो दोगुना होगा, फिर दोगुना दो बार होना चाहिए, और वो कसा रहना चाहिए, वो ढीला नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा जब जंप आए तो पहला ही अलंकार पकड़ना है ना, ये सजगता इसे कहते हैं। अब सजगता का एक और एग्जाम्पल, एकाग्रता का एक और एग्जाम्पल, आप पांच लोग यहाँ साथ में बैठे हो, एक जना कोई मिस्टेक करता है, घबराने का नहीं, तुरंत पॉज, सुना क्या चल रहा है और तुरंत पकड़ा, इसे कहते हैं सजगता। भाई स्टेज पे गाओगे ऐसी 100 मिस्टेक्स होंगी, चार लोग गा रहे हैं आपके साथ, चार लोग बजा रहे हैं आपके साथ, सजगता, एक ने मिस्टेक करी तो कैसे उस मिस्टेक को तुरंत रुक के करेक्ट करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, शांत होना पड़ता है और सुनना पड़ता है। जैसे ही मिस्टेक हुई कि मेरा हाँ एक अलंकार गलत लगा, थोड़ा रुके, कौन से सुर पे है, तुरंत पकड़ लिया उसी सुर पे और तुरंत वो लय पकड़ ली, है ना। इसके लिए माइंड यहाँ चाहिए, माइंड भटकना नहीं चाहिए। फिर से करेंगे यही काम, ठीक है, पहले सिंगल में फिर दोगुन में, ठीक है, एक बार पूरा सुनेंगे। लय सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तानपुरे में सुर भी चल रहा है उसे भी सुनते रहो। दागे तिन त्रिदिन कृदिन तिन ता तित ताके त्रक धीन धात्रक, जी शुरू करिए। हाँ दोगुना, टिके रहिए लय में, सिंगल में आ जाओ दोबारा। हाँ बस, है ना। अभी भी जब सिंगल में भी आए तो एक आध जना सिंगल में आ नहीं पाया दोबारा, है ना, वो दोगुन में ही था अभी भी कि दोगुन चल रही है, वो दोगुन उतरी नहीं दिमाग से, तो ये शिफ्ट जरूरी है, है ना। इसके लिए ही हम लय ताल का अभ्यास कराते हैं कि जब तालों को अलग अलग शिफ्ट्स में करते हो ना तो वो जंप आना चाहिए, समझ रहे हो। ये किया दोगुन, ये किया ठा, ये किया तिगुन, ये किया ठा, ठा से दोगुन, ठा से तिगुन, है ना। ये ऐसा नहीं कि ठा दोगुन तिगुन तो आती है, लेकिन मैंने कहा ठा से सीधी तिगुन लगाओ तो नहीं आई, फिर आप कहोगे हमको तिगुन तो आती है भाई, या हमें चौगुन तो आती, वो नहीं है ना। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ताल चल रही है धा देन देन धा, तुरंत ऑन किया था मैंने और तुरंत लय पकड़ी, भूला नहीं, लय नहीं भूला मैं, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को चार मात्रा सुननी पड़ी और फिर पकड़ना पड़ा, ये प्रेजेंस चाहिए, है ना भाई। इसमें तो जबकि थोड़ा डिले भी होता है कि आप प्रेस करते हो और कुछ माइनर सेकंड्स के बाद वो शुरू होता है, तब भी लय तुरंत वैसी ही पकड़ी, ठीक है, इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। अभी आपका ठेका चल रहा है, अब इसके साथ मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये चीज़, है ना, ये चीज़ आप अप्लाई कर लेना किसी भी चीज़ पे। तिन कृदिन तिन ता ता तिट धिन, साथ में गिनिए, धा दिन 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 दा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, सिंगल, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता तू पर, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व कीजिए कि मैं लय के जंप्स कैसे लाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। धिन धिन धा त्रक धा, तिन त्रितिन ता, ता धिन कृदिन दिन धा, तिन धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा धिन धिन धा, तिट धा धिन त्रकधिन कृदिन दिन धा, तिट धा धागे तिन तिन ता, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा धिन धिन धा। क्या किया,
चौगुन एक ही बार करोगे तो चार मात्रा में आ जाती है, तो तेरहवीं से उठाई उसे। ये एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सभी को भी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो अपन और ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं वो अगली कभी और बार देखेंगे। अभी जो जो चीज़ें बताई है वो इसमें करेक्ट करना। एक ही ताल को अलग अलग जंप्स करने हैं, पहले ठा बोली, फिर ठा दुगुन बोली, फिर ठा पे आ गए, ठा तिगुन बोली, ठा पे आ गए, फिर चौगुन बोली, वापस ठा पे आ गए। ऐसे जंप्स में भी प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूस तो करो ही भाई। अलंकार भी तो दो प्रकार के किए ना आपने, कि पहले लड़ वाले फिर जंप वाले किए ना, तो वही चीज़ इसमें भी होनी चाहिए। जब जंप जब तक नहीं होगा और वापस उसी पे नहीं आओगे तो कैसे मालूम चलेगा कि उस पे टिके हुए हो, है ना। वही कथक में भी ये चीज़ होती है कि जब नृत्य किया जाता है तो एक ही जगह किया जाता है ना। जो उस्ताद लोग पंडित लोग करते थे वहां तो उनके पांव छप जाते थे, इस तरह से वो कथा करते थे कि उस ही जगह एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो, पांव छप गए, क्योंकि रोज उस ही जगह कर रहे हैं और जितने घंटे कर रहे हैं उसी जगह तत्कार हो रही है ना। तो यही चीज हमारी भी है कि भाई सुर लग रहा है तो वो उस ही बार हजार बार लगवा लो वो वैसा ही लगेगा, हजार बार उस लय में जंप हुई वैसी होने वाली। ठा से तिगुन में गए, तिगुन से वापस ठा में आएंगे तो ठा में ही आएंगे, ऐसा नहीं कि खिसक गए नीचे कि अब आधी में पहुंच गए है या कोई और लय में पहुंच गए, ऐसा नहीं। 10 से 20, 20 से 10 ये होना चाहिए अगर ठा दुगुन कर रहे हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, थाटों में अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग पिच से कर सकते हो, वो आपका दिमाग है, आपकी उपज है कि आप किस तरह से अभ्यास करना चाहते हो, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई उनको गौर कीजिएगा, देखिएगा, और आप सभी लोग भी आप सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रही होगी क्लास। नेक्स्ट हम ऐसी ही एक क्लास रखेंगे, मैं सोच रहा हूँ आप कुछ लंबे वीडियोज़ भी ऐसे दूँ आपको जो प्रैक्टिकल हों, है ना, जैसे आपकी डिमांड है। मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बंद ही इसलिए किए थे क्योंकि कोई देखता नहीं उनको, लेकिन ठीक है, कुछ चंद लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उन वीडियोस से भी, तो चलिए। वैसे लंबे वीडियोस भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा इंटरनेट ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है ना, तो मैं अपलोड कर ही सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया।